जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर हम वाराणसी से बोल रहे हैं। कहाँ से? सर वाराणसी से बोल रहे हैं, वाराणसी बनारस से। हाँ जी बोलिए जी। सर ये अमरनाथ की यात्रा के लिए सर क्या प्राविधान है? सर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों ने अपना मेडिकल करवा के रख लिया है। तो लोग हमारे यहाँ जो बैंक है जहाँ से होता है रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए, वहाँ पे जो है सब कुछ बात भी किए तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी कोरोना के चक्कर में होता है कि आज ये डेट डिले हो, तो सर वही हुआ। मतलब कि अभी तक कोई डेट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कब से हुआ कब से नहीं होगा। कब गए थे? क्या सर? बैंक कब गए थे आप? बैंक हम लोग बैंक गए थे सर 10 मार्च के आसपास। वही सर उन्होंने 10 मार्च को अपना मीटर बनवाया था, उसी के लिए बैंक। अभी तो ये भैया देखो, अभी तो बैंक में कहीं मत जाओ आप ना 15 तारीख तक, क्योंकि 14-15 तारीख तक कंफर्म हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन होंगे नहीं होंगे, आगे क्या डेट बढ़ रही है, सारा मैसेज आ जाएगा आपको ना। सर ये 14-15 अप्रैल तक होगा डिसाइड, या फिर 14-15 मई तक? ये जो आप बोल रहे हैं कि 14-15 अप्रैल तक डिसाइड होगा रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, या फिर 14-15 साइन बोर्ड आपको 15 अप्रैल पे बता देगा कि क्या कंडीशन है। ठीक है, 15 अप्रैल में साइन बोर्ड आपको बता देगा कि क्या कंडीशन है, क्योंकि 15 अप्रैल साइन बोर्ड ने बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। लेकिन साइन बोर्ड को या किसी को भी ये मालूम नहीं है कि अभी ये कोरोना वायरस के केसेस हैं ये बढ़ेंगे या कम होंगे। तो अभी तो हमारे हिंदुस्तान में बढ़ी रहे हैं केसेस, है ना, तो हो सकता है कि साइन बोर्ड इस डेट को आगे बढ़ा दे। ये दिक्कत है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी आप और हम। अभी तो सबसे बढ़िया ये है कि आप, यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा होगा, अभी लॉकडाउन है आपके यहाँ भी? हाँ सर, बड़े व्यापक स्तर पे सर। हाँ हाँ, तो आप भी घर में रहिए और औरों को भी बाहर जाने के लिए मना कीजिए, क्योंकि देखिए जब ये महामारी जो है कोरोना वायरस की खत्म होगी उसके बाद ही आप यात्रा और सारे काम सोचना कि होंगे। अगर ये सब ऐसे चलता रहा तो मतलब कहना ही मुश्किल है, क्योंकि केसेस खत्म होंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा, जब भी गवर्नमेंट चाहेगी कि यात्रा हो। ऐसे इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं यात्रा में, 7-8 हज़ार लोग, भंडारे वाले, इन सबको परमिशन देना, ट्रकों से सामान जाना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए हमारा फर्ज तो ये बनता है कि हम अपने घर में रहें, औरों को भी कहें कि देखो सब सब मिलके इस चीज को दूर करेंगे ना भैया जी, जैसे ये दूर होगी, एक आधा केस आ रहा रोज का, सब कुछ खत्म हो गया इंडिया से, सपोज करो ये सब बीमारी वाला, तो यात्रा भी खुल जाएगी। गवर्नमेंट को तो बढ़िया है, लापरवाही तो लोग कर रहे हैं तभी तो केसेस बढ़ रहे हैं। बस यही दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही है इसलिए केस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं है, गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट की लापरवाही क्या है? हाँ, पर बेचारे जो मजदूर हैं जिनके लिए खाने के लिए, उनकी लापरवाही भी नहीं कर सकते, उनको खाने के लिए इधर उधर निकलना ही पड़ रहा है, चाहे राशन लेने जाना पड़ रहा है, चाहे कहीं मांगना पड़ रहा है। हर इंसान एक जैसा नहीं है ना, सबके घर में इतना राशन नहीं है कि आराम से 10-20 दिन चल जाए काम। कुछ लोग बेचारे रोज कमाते थे, रोज खाते थे, अब उनको लोग, कुछ लोग सेवा भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी लगे हुए हैं। मतलब मेन तो भैया यही है कि देखो जब तक ये केस बढ़ते रहेंगे तो ये समझना कि डेट भी आगे बढ़ती रहेंगी। जैसे कि हाँ सर, ये सर तो मुझे लगता है कि कैंसिल हो जाएगी आपका अगर। हाँ, ये मान लीजिए अगर मई तक यही हाल रहा, केस ऐसे ही बढ़ते रहे, जिस दिन आप एक ग्राफ नीचे आना शुरू कर हो जाएगा ना, जैसे अभी 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 200 आने शुरू हो जाए, 100 आने शुरू हो जाए, 50 आने, तो हमें पता लगेगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने काबू पा लिया। जैसे सपोज करो दिल्ली में केस आने बंद हो गए, सिर्फ यूपी में आ रहे हैं, फिर यूपी में बंद हो गए, सिर्फ हरियाणा में आ रहे हैं, तो धीरे 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 गवर्नमेंट काबू पा लेगी। तो उसके बाद यह, अगर ये मई जून तक ऐसे चलता रहा तो यात्रा कहाँ से हो पाएगी? यात्रा कोई भी यात्रा नहीं हो पाएगी, सारे मंदिर भी बंद पड़े हैं, सब कुछ ऐसे रहेगा, सिर्फ कुछ नहीं हो पाएगा ना। आप देखो ना, हम तो मतलब बहुत छोटे लेवल पे, अमेरिका इटली जैसी कंट्रियां कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो इसमें तो सब लोग अगर मिलके एक मतलब मत बना लेंगे कि हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, हमें खुद से उस मामले में, जापान को देखो आप, जापान ने कर लिया ना, जापान ने देखो, जापान कितने केस नहीं पड़े, जापान ने कंट्रोल कर लिया, वहां लोगों ने खुद इनिशिएट किया कि हम नहीं निकलेंगे। अगर चांस दे देना पूरी तरह से 10 दिन मात्र, हाँ, तो उसी में सरकार बहुत सब कुछ कवर कर लेगी। हम लोग क्या करें, लोगों को खाना भी पहुंचाना है, फिर हमारे यहाँ फैसिलिटी मतलब अब सबका टेस्ट होना भी मुश्किल है। बस भैया यही दुआ है, हम तो जितने भी लोगों का मैसेज आता है यात्रा के, सबको यही कहते हैं, खुद भी घर में रहें, औरों को भी घर में रहें, और परमपिता परमात्मा से अपना हाथ जोड़ के ध्यान लगाएं कि प्रभु जो कुछ है जल्दी ठीक हो, जब
तो यात्रा हो। ठीक है भैया जी, बाकी कोई ऐसे अपडेट आएंगे तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आपको मिलते रहेंगे। आप व्हाट्सएप पे हैं, मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे है, आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।